सरदीवा न्यू पीटी कॉलेज व माँ एफएम की टीम द्वारा संयुक्त प्रयास से ब्रेन ऑफ सिटी का एग्जाम सुधपुर स्थित ईवी स्कूल में भी कंडक्ट किया गया। ब्रेन ऑफ सिटी, जी हाँ, इस एग्जाम के माध्यम से बच्चों ने अपने आप की यथास्थिति को आंका। हम बता दें कि सचदेवा न्यू बीटी कॉलेज व साथ ही माय एफएम के संयुक्त प्रयास से 9th to 12th विद्यार्थियों के लिए ब्रेन ऑफ सिटी एग्जाम कंडक्ट कराने की श्रृंखला में हुडको स्थित डीएवी स्कूल में भी ये एग्जाम कंडक्ट कराया गया। यहाँ स्कूली विद्यार्थियों ने ओएमआर शीट के माध्यम से एग्जाम देकर स्वयं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पूरी तरह से तैयार किया। शाला के प्रिंसिपल ने इसे अच्छा प्रयास बताया। देखिए, जब हम बात करते हैं ब्रेन ऑफ सिटी के जो आप कंडक्ट करवा रहे हैं, एफएम माई एफएम जो करवा रही है, निश्चित रूप से वो बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि पेंडेमिक के कंडीशन में हमारे बच्चे जो डेडिकेशन और जो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच था उनके लर्निंग का, वो मिसिंग रहा। क्योंकि जब हम टेक्निकल सिस्टम का या फिर हम मोबाइल के थ्रू या लैपटॉप के थ्रू जो बच्चों को हम पढ़ाना शुरू किए, उसमें आई कांटेक्ट नहीं हो सका, जिस कारण से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो होना था उसमें कहीं कमी आई, जिस और इसका असर ये हुआ कि एक नॉलेज का गैप डेवलप हो गया। इस ब्रेन ऑफ सिटी के द्वारा माई एफएम उस गैप ऑफ नॉलेज को असेस करना चाह रहा है। ये काफ़ी फायदेमंद होगा हम स्कूल संस्थापकों के लिए भी, साथ ही साथ पेरेंट्स के लिए भी, क्योंकि हमें यह तो पता चल पाएगा कि हम अपने दिन प्रतिदिन की पढ़ाई में या टाइम टेबल में या अपने मेथोडोलॉजी में हम किस प्रकार से चेंजेस लाएं, जिससे कि बच्चे को उसका फ़ायदा हो सके और जो उस गैप जो है उस गैप को हम भर सकें। लेकिन इन सभी के साथ साथ, जैसा कि आपके द्वारा ही हमें मालूम हुआ कि जो आप असेसमेंट करेंगे उसकी एक कॉपी आप स्कूलों को भी प्रोवाइड करेंगे, तो निश्चित रूप से हम उसको पेरेंट्स के साथ भी शेयर करेंगे। लेकिन यहाँ पर पेरेंट्स की का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। पेरेंट्स को भी ये समझना होगा कि उनके बच्चे में ये जो गैप ऑफ नॉलेज आ गया है उसको किस तरीके से हम मीट आउट कर सकें, और वो उसके लिए वो कितना समय अपने बच्चों को देते हैं। क्योंकि आज के समय में जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को सिर्फ एक मशीन बना करके रखना चाहते हैं, और हर चीज़ में वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा एक अच्छा आदेश पालक हो, जो कि गलत। तो वहीं शाला के विद्यार्थियों ने भी ब्रेन ऑफ सिटी एग्जाम के लिए सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज का आभार दिल से जताया व साथ ही इस एग्जाम के दौरान होने वाले अनुभव को मीडिया से साझा किया। काफी अच्छा लगा यार, काफी इंटरेस्टिंग थे क्वेश्चंस और सॉल्व करने में बहुत मजा आया। आईएफएम और सचदेवा की पहल बहुत अच्छी है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हमें बहुत एक्सपोजर देती है और ये काफी इंटरेस्टिंग भी था। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। मुझे तो मैथ्स ज्यादा हार्ड लगे, बट इफ़ यू आस्क अबाउट ईजी, बायोलॉजी वॉज द ईजीएस्ट वन एंड इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग टू सॉल्व। इट वॉज रिवाइजिंग अबाउट द पास्ट वी हैव स्टडीड इन क्लास 9 एंड इट वॉज मेकिंग आवर माइंड टू रिवाइज अबाउट द टॉपिक्स वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। थैंक यू थैंक्स टू माई फैम एंड सचस्ते। सवाल ज़्यादा उलझाया, किस सब्जेक्ट में तुम प्रिपेयर रहे? मैथ्स का लास्ट पार्ट में थोड़ा टफ थे क्वेश्चन, मतलब टाइम टेबल ज़्यादा थे और तो ज़्यादा नहीं था, बाकी तो 9th के ही थे, मतलब सोशल और निश्चित ही एग्जाम विद्यार्थियों के लिए मील का पत्थर साबित होगा, बच्चे अपने आप को तैयार कर लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे। ब्रांड एशियन न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।